कुछ किसान नेता और कांग्रेस के बड़े नेता रहे रामनिवास मिर्धा की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रदेश भर में कई जगह उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। मिर्धा लंबे समय तक राजस्थान विधानसभा के विधायक भी रहे और विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी काबिज रहे। उन्होंने केंद्र में भी विभिन्न विभागों का पदभार संभाला है। रामनिवास मिर्धा का जीवन सादगी और प्रतिभा की मिसाल है और आज भी मिर्धा का जीवन युवाओं के लिए मार्गदर्शक की तरह है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामनिवास मिर्धा ये प्रदेश की राजनीति के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति के भी पुरोधा रहे हैं। स्वर्गीय मिर्धा विलक्षण प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी गिनती सिद्धांतवादी राजनीतिज्ञों, चिंतकों और दार्शनिकों में होती है। एक किसान परिवार में जन्म लेने के बाद ईमानदारी और कर्मठता के दम पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ तक अपने बौद्धिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल का लोहा मनवाया। उनका जन्म मूल रूप से नागौर जिले के कुचिरा गाँव के निवासी जाने माने किसान नेता बलदेव राम मिर्धा के घर 24 अगस्त 1924 को बाड़मेर जिले के जसोल गाँव में हुआ। स्वर्गीय मिर्धा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और जिनेवा स्विट्जरलैंड के ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एमए और एलएलबी की उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने अपना करियर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में शुरू किया और बाद में इस्तीफा देकर वे सक्रिय राजनीति में आ गए। वे सन 1953 से 1967 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान 1954 से 1957 तक कृषि, सिंचाई और यातायात विभाग के मंत्री और 1957 से 1967 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 1967 में वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1970 से 1980 के दौरान केंद्र सरकार के मंत्री रहे और विदेश, संचार, कपड़ा, सिंचाई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सहित अनेक विभागों के मंत्रालयों का कामकाज देखा। वहीं उन्होंने भारत अमेरिकी संस्कृति और शिक्षा पर उप आयोग के सह अध्यक्ष के रूप में काम भी किया और 1993 से 1997 तक यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य भी रहे। वे इंडियन हेरिटेज सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूएन एसोसिएशन के अध्यक्ष, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ट्रस्टी और संगीत नाटक अकादमी के साथ ललित कला अकादमी के भी अध्यक्ष रहे। 29 जनवरी 2010 को दिल्ली में मिर्धा का निधन हो गया। स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा के पद चिन्हों पर चलकर आज भी कई युवा राजस्थान की राजनीति के आसमान में बुलंद होकर चमकना चाहते हैं। स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा को प्रेरणा मानकर आज भी युवा राजनीति कर रहा है और उनके विचार आज भी इन युवाओं के बीच जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।